अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं इंटरमीडिएट पार्ट वन की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.4 कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम 12.5 से स्टार्ट करेंगे। 12.5 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास फार्मूलाज हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में यूज़ होंगे, तो हम वो फार्मूलाज देख लेते हैं। हमारे पास है द लॉ ऑफ कोसाइन। कोसाइन लॉ हमारे पास क्या है, वो कहता है हमारे पास ए का स्क्वायर बराबर होता है बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 BC कोस अल्फा। और इसी का अगला फार्मूला, यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 AC कोस बीटा, ठीक है। यानी हमें उसने क्या दिया होगा, हमें उसने दिया होगा दो साइड्स दी होंगी और एक एंगल दिया होगा, हमने तीसरी साइड फाइंड करनी है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइन लगा लेंगे, उससे हम दूसरा एंगल फाइंड कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वो जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 180 डिग्री होता है, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, वो फार्मूला लगा के हम तीसरा एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हमने यानी कि एक ट्राइंगल में तीन साइड होती हैं और तीन ही एंगल होते हैं ना, तो उसने हमें दो साइड दी होंगी और एक एंगल दिया होगा। हमने क्या करना है, उसको यूज़ करके लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे, उसके बाद लॉ ऑफ साइन लगाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बाकी एक जो साइड रहती है वो और दो एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास सी बराबर होता है, सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB कोस गामा के, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है सोल्व दी ट्राइंगल ABC इन विच, उसने कहा ट्राइंगल सोल्व करनी है जिसके अंदर हमें उसने दिया हुआ है कि बी बराबर होता है 95 के, सी बराबर होता है 34 के और अल्फा उसने दिया हमें 52 डिग्री, ठीक है। उसने हमें दो साइड्स दे दी और एक एंगल दे दिया है। हमें करेंगे सिंपली, हम कहेंगे एज वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे। लॉ ऑफ कोसाइन हमें क्या कहता है कि ए का स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि हमने बी और सी उसने दिया, हमने क्या फाइंड करना है, हमने ए फाइंड करना है ना, ए हमारे पास यहाँ पे अननोन है, और अल्फा दिया उसने, हमने क्या और फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है, और हमने क्या फाइंड करना है, गैमा फाइंड करना है, ठीक है। हमने गैमा फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी फाइंड कर लेंगे, ए फाइंड कर लेंगे, यानी तीसरी साइड जो रिमेनिंग है वो, उसका फार्मूला क्या होता है, हमारे पास ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 BC कोस अल्फा के, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर वैसे रहने देंगे, बी स्क्वायर और सी, बी और सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे और अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद इसे सोल्व करने का हमारे पास ये आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा, तो इसको ये आ जाएगा, ठीक है। आप सोल्व कर सकते हैं साथ साथ, आप अपना वो पकड़ दें कैलकुलेटर, आप साथ साथ सोल्व करते जाएँ, यही आंसर आएंगे, ठीक है। आप साथ साथ खुद भी सोल्व करें, प्रैक्टिस की बात होती है, मैथ प्रैक्टिस से आती है, वैसे मैथ नहीं आती, तो आप साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस करें, ठीक है, नोट करते जाएँ। उसके बाद जब इसका 95 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास रहेगा 9025, 34 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास रहेगा 11156, और जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 95 से और 34 से, तो हमारे पास आ जाएगा 6460 आ जाएगा, ठीक है। और इसका कोस 52 पे होता है 0.6157, ठीक है, ये आ जाती है। उसके बाद इसको प्लस करके ये आ जाएगा, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3977, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6204, और इसका यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे, और इसका यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया, हमने क्या करना है, हमारे पास अंडर रूट आ गया 6204, तो इसका जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78.76, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। ए का आंसर हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, बाकी जो रिमेनिंग साइड्स रह गई हैं वो फाइंड कर लेनी है, ठीक है। और साइड हमने फाइंड कर लिया, अब हमने बाकी जो रिमेनिंग एंगल रह गए वो फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे, लॉ ऑफ साइन लगाएंगे। लॉ ऑफ साइन क्या कहता है, बी स्क्वायर बराबर बटा साइन बीटा बराबर होता है ए ओवर साइन अल्फा के, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, अब अल्फा हमारे पास दिया हुआ उसने, हमने बीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको यहाँ से रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा बराबर होता है बी ओवर ए साइन अल्फा के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी की जगह बी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे और साइन अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.505, ठीक है। तो ये साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आकर इन्वर्स का हो जाएगा, साइन इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखें हमने कहना है शिफ्ट साइन, तो हमारे पास क्या है 0.9505, ठीक है, ये लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा। इसको हम ये जब दबाएंगे तो हमारे पास आएगा 71 डिग्री 53 मिनट, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने बीटा भी फाइंड कर लिया, अल्फा हमारे पास पहले आया, तो हम क्या करेंगे, वी नाउ डैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री के। तो हम क्या करेंगे, सिंपली गामा इस साइड पर रहने देंगे, बीटा और अल्फा और बीटा इस साइड पर ले जाएंगे, वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है, उनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास गामा की आंसर आ जाएगा 56 डिग्री 7 मिनट्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें उसने दिया हुआ है हमें, देखें ए बी दिया हुआ है,
12.5 और सी दिया हुआ है 23 और अल्फा दिया हुआ है 38 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने लाओ कोसाइन लगाना है। लाओ कोसाइन हमें क्या कहता है, ए स्केयर प्लस, यानी हमें ए दिया हुआ है और सी दिया, बी दिया और सी दिया, हमने ए फाइंड करना है और हमने क्या फाइंड करना है, बीटा और गामा की वैल्यूज़। ठीक है, तो हम ए को फाइंड कर लिए, हमारे पास फार्मूला है ए स्केयर इक्वल होता है बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2 BC कोस अल्फा। उसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे जैसे सिंपल वैसे पिछले क्वेश्चन की तरह ही, तो आखिर में जाके हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लॉ ऑफ साइन लगा देना है। लॉ ऑफ साइन लगाने के बाद वो क्या होता है, ए और साइन अल्फा बराबर होता है बी और साइन बीटा के। ठीक है, तो साइन बीटा को इस साइड पर ले आएंगे, तो ये इसे रीअरेंज जब करेंगे ना, तो ये इस तरह आ जाएगा ना, ये देखिए इसको हम जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए साइन बीटा इक्वल हो जाएगा बी साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया साइन बीटा बराबर आ गया बी और ए साइन अल्फा के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो कि ये है और इसकी अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, वो कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.5067। ठीक है, तो हम साइन उधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आके इन्वर्स का हो जाएगा, जब इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपको कैलकुलेटर स्क्रीन पर आकर को दिखा देता हूँ, देखो साइन इन्वर्स हमारे पास आ गया 0.5067। ठीक है, ये आ गया, और इसको जब अब ये वाला बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 30 डिग्री 26 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो उसके बाद हम सिंपली करेंगे विन आउट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, तो वहाँ से गैमा हमने फाइंड करना है, क्योंकि बीटा और अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब गैमा रहेगा, गैमा को फाइंड करने के लिए इसे इस साइड पर रहने देंगे। ठीक है, इसे और इसे उठा के यहाँ ले आएंगे, इधर से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 111 डिग्री और 14 मिनट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है कि ए बराबर है √3 - 1 और बी बराबर है √3 + 1 एंड गैमा बराबर है 60 डिग्री के। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है इसमें से, हमने क्या फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, और हमने क्या फाइंड करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर का हमें फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ कोसाइन लगाना है। सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गैमा। ठीक है, अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हमारे पास हो गया ए, ये होता है हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, a - b cos2। ठीक है, और यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, a + b cos2। ठीक है, वो फार्मूला हम ओपन कर देंगे, ओपन करने के बाद हमारे पास ये इस तरह आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाला प्लस वाला और ये माइनस वाला, माइनस वाला प्लस वाला कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 3 और 1 4 और 3 और 1 4 8 हो गया, और ये 3 में से 1 गया, बाकी रह गया 2 2 के जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी हमारे पास ये 6 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बराबर जाएगा √6 के। ठीक है, तो इसको हम जी अपने उस डेसिमल में नहीं लेके जाना, यहाँ पर इसका ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास बाकी क्या रहेगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ साइन लगाएंगे। लॉ ऑफ साइन हमें क्या कहता है, ए ओवर साइन अल्फा बराबर होता है सी ओवर साइन गामा के। तो साइन अल्फा तो जब रीअरेंज करेंगे वैसे जैसे साइन बीटा को करते थे हम पिछले क्वेश्चन में, तो हमारे पास आ जाएगा ए और सी बराबर था साइन गामा के। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 2 5 2 8 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट साइन इनवर्स 0.2588, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 मिनट, ये हमारे पास इसे ऑलमोस्ट ये 50 डिग्री बन जाएगा ना, हम 50 डिग्री लिख लेंगे। तो हम उसके बाद फार्मूला लगाएंगे विन आउट एट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 180 डिग्री के, तो बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री -15 - 60 आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ बीटा इस साइड पर डाल देंगे, गैमा और अल्फा की वैल्यू इधर जाकर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.105, इसका आंसर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, ये तो आपको आते ही नहीं है, आसान तरीका है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें ए दिया हुआ है 3 और सी दिया हुआ है 6 और उसने बीटा दिया हुआ है 36 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सी बी फाइंड करना है क्योंकि वो मिसिंग है, और हमने क्या फाइंड करना है, अल्फा और गैमा फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता फार्मूला हमारे पास लॉग कोसाइन के मुताबिक बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 CA cos बीटा। ठीक है, तो बी स्क्वायर को वैसे रहने देंगे, ए और जो सी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और यहाँ ये आ जाएगा, तो ये इसको 45 हो जाएगा, इसको जब ऐसे मल्टीप्लाई कर आएंगे तो 29, तो इसको जब माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। तो ये सिंपली चीज़ है ना, ये तो आप आसानी से कर लेंगे। तो जब इसका इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या करेंगे, हमने बी भी फाइंड कर दिया, हमने क्या फाइंड करना है, अल्फा और गामा फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लॉ ऑफ साइन लगाएंगे। लॉ ऑफ साइन हमारे पास किसके बराबर होता है, ए ओवर साइन अल्फा बराबर होता है बी ओवर साइन बीटा के। ठीक है, तो ए
इसको जब रीअरेंज करके हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा बराबर आ जाएगा ए ओवर बी मल्टीप्लाई साइन बीटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ए और बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इसको सोल्व करने हमारे पास आ जाएगा 0.75 आ जाएगा, और इसको सोल्व करने के आपके पास आएगा 0.5925 आ जाएगा। ठीक है, तो आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 0.444। तो हम क्या करेंगे, सिंपली शिफ्ट साइन इनवर्स आ जाएगा हमारे पास, वो क्या आ जाएगा 0.4444। तो इसको जब सोल्व करें तो ये आ जाएगा, इसको जब ये वाला बटन आपने दबाना, ये वाला जो बटन है इसको आप ये दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 26 डिग्री 23 मिनट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, विन आउट एट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री के, तो आपने सिंपली वहाँ से क्या कर लेना है, गामा की वैल्यू फाइंड कर देनी है। ठीक है, यानी कि ये हमने ये फाइंड करना है, इन दोनों को उठा के यहाँ ले जाएंगे, ये इधर आके माइनस हो जाएंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास गामा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसने हमें दो साइड्स दी हुई हैं, ए और बी। ठीक है, ए उसने दिया हुआ 7 और बी दिया हुआ 3, और गामा उसने दिया हुआ 38 डिग्री 13 मिनट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सी फाइंड करना, और हमने क्या फाइंड करना, अल्फा और बीटा फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे, वो हमारे पास क्या है, सी बराबर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, सी स्केयर बराबर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कोस गामा के। ठीक है, तो ए और बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, गामा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये देखो ये 49 हो गया, ये 9 हो गया, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा, और ये आ जाएगा इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा, ये आ जाएगा 58। ठीक है, ये इसे जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 25 बच जाएगा। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा 5 डिग्री के। तो हमारे पास सी आ गया 5 के। तो उसके बाद हमने क्या करना, लॉ ऑफ साइन लगाना है। लॉ ऑफ साइन में हमें क्या कहता है, बी बड़ा साइन बीटा बराबर होता है सी ओवर साइन गैमा के। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी ओवर सी साइन गैमा। तो हम सिंपली इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको ये आ जाएगा हमारा सोल्व करने के बाद साइन इनवर्स लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, बीटा की वैल्यू आ गई, और सिंपली उसके बाद हम क्या करेंगे, विन आउट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री के। ठीक है, तो हमने क्या अल्फा फाइंड करना है, तो बीटा और गैमा को उठा के इस साइड पर ले आएंगे, तो वहाँ से जब माइनस करेंगे हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये मैथ बेसिकली आपको ना प्रैक्टिस से आती है, आप खुद हाथ से सोल्व करके देखें साथ साथ। ठीक है, और आप सारा नोट करके देखें, जब तक आप हाथ से नहीं करेंगे सॉल्व तो आपको समझ नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।